रामपुर शाहबाद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही 15 जून से 30 जून तक योग पखवाड़े के अंतर्गत आज तहसील प्रांगण में उपजिलाधिकारी दुर्गा शंकर गुप्ता व तहसीलदार राजीव मोहन सक्सेना के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया, जिसमें कई कर्मचारियों ने भाग लिया। रामपुर यूनान आयुर्वेदिक चिकित्सालय से आए ट्रेनर द्वारा योग के कई प्रकार बताकर योग कराए गए, साथ ही प्रतिदिन योग करने के लिए सभी को प्रेरित किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उपजिलाधिकारी शाहबाद ने बताया कि सरकार के मंशानुसार चल रहे इस कार्यक्रम में आज प्रथम दिन हम लोगों ने योग कार्यक्रम किया। ये आयोजन 30 जून तक यूं ही चलता रहेगा। ज्यादा जगह को देखते हुए राजकीय इंटर कॉलेज शाहबाद में योग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें काफी लोग अपनी हिस्सेदारी करेंगे। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उपजिलाधिकारी शाहबाद दुर्गा शंकर गुप्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा योग को प्रोत्साहन देने के लिए इस अभियान के अंतर्गत इस योग शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि 15 जून से 3 जून तक ऐसे ही नियमित लगेगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ज्यादा लोगों को इस योग शिविर में शामिल किया जाएगा। जगह कम होने की वजह से नगर के राजकीय इंटर कॉलेज में 21 जून को योग शिविर का बड़ा कार्यक्रम होगा। हमारी जनमानस से अपील है कि वे योग को अपने जीवन में अपनाएं, जिससे वे निरोगी रहेंगे। ये योग पखवाड़ा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 15 तारीख से लेकर के 30 जून तक इसका निरंतर आयोजन होगा और 21 तारीख को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें सभी लोग एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट की कोशिश की जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें भाग लें और योग से लाभ उठाएं। क्या नियमित यही तहसील प्रांगण में होगा या फिर और कहीं भी? 21 तारीख के लिए हमने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का चयन किया है, यहाँ पर ज्यादा जगह भी है और ज्यादा लोग आ भी सकते हैं। यहाँ जगह कम है, इसलिए यहाँ कभी लोग आ पाते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा 30 तारीख तक। ऐसे अपने घरों में करके कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, ऐसा लाभ ही होता है, कोई नुकसान नहीं होता। करें योग, रहें निरोग।